एक्सेस के इस किचन आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट्स और ओट्स की जबरदस्त रेसिपी। यह आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इसको बनाने के लिए आपने प्लेन ओट्स ले लेना है, काउ मिल्क और कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। अब हम गैस पर अपना दूध बॉईल होने के लिए रख देते हैं और जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तब तक हम अपना एप्पल काट लेते हैं। आपने इसको बारीक बारीक पीसेस में काटना है और आप इसका छिलका ना निकालें क्योंकि छिलके में भी काफ़ी विटामिन होते हैं। और ये देखिए हमारा एप्पल कटकर तैयार हो गया है। अब हम अपना ओट्स बनाते हैं। ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो गया। अब हम इसमें अपना ओट्स डाल देंगे। ओट्स आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इसको थोड़ा लिक्विड ही बनाना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा ओट्स बनाएंगे तो उसमें फ्रूट्स का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और अब आप इसको 5 से 6 मिनट तक पका लें। आपका ओट्स 5-6 मिनट में ही पककर तैयार हो जाता है और आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। और ये देखिए हमारा ओट्स पक गया है। अब हम इसको नीचे उतार देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा ओट्स बन गया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। अब आप इसमें अपना बारीक कटा हुआ एप्पल और ये कटा हुआ चीकू और अखरोट डाल देंगे। हमने इसको शुगर फ्री बनाया है क्योंकि ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, इसलिए हमने इसमें शुगर नहीं डाली है। यह आपकी कैलोरीज की कमी को पूरा करता है और इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपको आपके वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। अगर आप में आपके अंदर हार्ट डिजीज है तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रूट्स ओट्स बनकर तैयार हो गया है। आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करें और इन्जॉय करें। अगर आपको यह ओट्स रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें।